हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। XSIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग PCS का जो सिलेबस है, खासकर जो पेपर 5 और 6 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका एग्जाम शायद मेंस पहली बार होगा। कौन से टॉपिक हैं और किस तरह से उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके क्या सोर्स होंगे, हम किस प्रकार प्रिपरेशन करें, आदि चीज़ों पर हम सिलसिलेवार, यानी 1 से लेकर के 23 टॉपिक जो भी UPSC ने दिए हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले हम लोग 4 पेपर देख चुके हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिहाज से हो या मेंस के लिहाज से या इंटरव्यू में जो संबंधित मुद्दे पूछे जाते हैं। आज हम जिन मुद्दों की चर्चा करेंगे वो है पेपर 5 सामान्य अध्ययन, ठीक है। और ये मेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसका मेंस में एग्जाम होगा। और सिलेबस अगर आपको कन्फर्म है तो देखो, 2 चीज़ें होती हैं। जैसे PCS है, मान लिया, ठीक है, PCS में मेंस में 4 पेपर होते हैं, GS फर्स्ट, सेकेंड, GS थर्ड, GS 4, जिसे एथिक्स के नाम से जाना जाता है, और 2 ऑप्शनल होते थे, ऑप्शनल 1 और इसी का पेपर 2। इनको UPPSC ने क्या किया है, डिसमिस कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। इनकी जगह पर GS पेपर 5 और GS पेपर 6 इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो क्या सिलेबस है, उसको किस प्रकार, हम किन सोर्सेस का इस्तेमाल करके हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन पेपर 5, इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। देखो, चाहे मौर्य काल हो या उसके पहले का, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाती हैं, ठीक है। चाहे गेहूं की उत्पादन क्षमता के बारे में हो, या मौर्य काल में जो तुम्हारा मगध साम्राज्य था, उसका उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, इसके बाद जो भी धर्म आया, चाहे मथुरा हो, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं जिनका सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पहले भी कभी था, वर्तमान में भी बरकरार है। तो उन सब के बारे में, यानी यूपी का इतिहास, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और उसके प्राचीन नगरों के बारे में, इसके लिए आपको कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और भी कई लोकल पब्लिशर की किताबें, इलाहाबाद और प्रयागराज बुक डिपोज की, जहाँ पर आपको बेहतर तरीके से इनको समझने में सहायता मिलेगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, जैसे मथुरा कला शैली, ठीक है, मथुरा कला शैली कहाँ से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है। आप जहाँ से गांधार कला समाप्त होती है, वहाँ से मथुरा स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ से द्रमणी संस्कृति स्टार्ट होती है या अन्य कलाएं संस्कृतियां स्टार्ट होती हैं, वहां तक मथुरा कला चलती है। उसकी महत्ता क्या है, उसका रख रखाव कैसे किया जा रहा है, ठीक है। आप मौर्य काल में देखेंगे तो तुम्हारा ज्यादातर जो एरिया है वो बनारस, ठीक है, बनारस के आसपास का एरिया है, तो उसको ज्यादा देखना पड़ेगा आपको। जो संग्रहालय हैं, अभिलेखागार हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उन सब के बारे में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पहले, बाद में, ठीक है, और उनका उत्तर प्रदेश में क्या योगदान रहा है। देखो, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, मेरठ, ठीक है, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, झांसी, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से व्यक्तित्व रहे, उनका क्या योगदान रहा, कैसे कैसे वो, कैसे कैसे कहाँ पर क्रांति हुई, है ना, कहाँ पर किसको दबाया गया, तो उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे वो 1947 के हों या 1857 के, आपको दोनों लोगों को बेहतर तरीके से करना है और बेहतर तरीके से उनको देखना है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, ठीक है, हालांकि शेड्यूल ट्राइब्स हमारे यहाँ बहुत कम है, रेयर केस में है, लेकिन ग्रामीण, जो हमारी ग्रामीण समस्या है, उसकी इकोनॉमी है, शहरी समस्या है, इकोनॉमी, ठीक है, चाहे वो नगर से रिलेटेड या कस्बाई इलाकों से रिलेटेड हो, ठीक है, उनकी जनसंख्या, उनका जनसंख्या घनत्व तो क्या है, जीवन यापन के क्या तरीके हैं, इत्यादि चीजें वहां से रिलेटेड करके आएंगी। उनका सोशल स्टेटस क्या है, जातियों में अगर विभाजन है तो वो किस प्रकार है, उनकी स्वास्थ्य सामाजिक संरचना कैसी है, त्योहार, मेले, ठीक है, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, ठीक है, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन। टूरिज्म पर विशेष फोकस कर रहा है उत्तर प्रदेश, तो टूरिज्म ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इस बार के पेपर के लिए देखो, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है, पेपर इजी होगा। उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, अगर उत्तर प्रदेश की राज्यव्यवस्था के बारे में, शासन प्रणाली, ठीक है, कैसी है,
मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री की अपनी एक कैबिनेट होती है जिसके माध्यम से वो शासन सत्ता चलाता है। नियुक्त कैसे होती है, कैसे बनती है, वो सारे मुद्दे इसमें आएंगे। राज्यपाल का क्या योगदान है, कौन है राज्यपाल, ठीक है, क्या इश्यूज हैं जो क्लैशेज होते रहते हैं केंद्र और राज्य के मध्य, है ना, उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है, जो मंत्रिपरिषद है और राज्यपाल है उनके बीच का कॉम्बिनेशन कैसा है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, विधानसभा का गठन कैसे होता है, विधानसभा किस प्रकार वर्क करती है, ठीक है, विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कब से स्टार्ट हुई, ठीक है, क्या उसकी संरचना है, कैसे उनकी नियुक्ति हो जाती है इत्यादि। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, चाहे वित्तीय संबंध हो, प्रशासनिक संबंध हो या अन्य कोई संबंध हो, उनके सबके बारे में। उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं, पीसीएस, जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल की एक घटना है एसडीएम, ठीक है, ज्योति मौर्य के बारे में, कि ज्योति मौर्य के पति ने उनकी इतनी मेहनत की कि वो एसडीएम बन गई। ऐसा नहीं है, ज्योति मौर्य पहले भी कई अन्य पदों पर वर्क कर चुकी हैं और जिस हिसाब से उनका चाहे सचिवालय में सिलेक्शन हुआ हो या अन्य पदों पर सिलेक्शन हुआ हो, तो इससे लगता है कि वो पढ़ने लिखने में बेहतर रही होंगी। और रही बात, आप किसी को पढ़ा लिखा कर अगर आईएएस या आईपीएस या कुछ भी बना देते हो, जिसका मतलब आपका अधिकार नहीं हो जाता, हो सकता है उसकी पसंद बदल गई हो, है ना, कई सारी चीजें हो सकती हैं उसके पीछे कई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रयागराज से बहुत सारी महिलाओं को उनके पतियों ने बुलवा लिया या बहुत सारे लोगों को लिखवा लिया, तो वो सब भ्रम वाली बातें हैं। जब कोई महिला किसी अच्छे पद पर पहुंच जाती है तो ये समाज उसे इतना मोलेस्ट करता है, इतना सब कुछ गिराने के लिए उसका अगर कोई भी एक नेगेटिव फैक्टर सामने आ जाता है तो उसको मोलेस्ट करने वाले पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको जो फोकस करना है वो इन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, वो सारी चीजें, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, और उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ठीक है, विशेष राज्य चयन मापदंड क्या है, राजभाषा कैसी है ना, कौन कौन सी भाषाओं का, चाहे विधानसभा हो, उच्च न्यायालय हो या विधान परिषद हो, शासन प्रणाली में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, संचित नीति और आकस्मिक नीति, ठीक है, राजनीतिक दल कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, एवं राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, की बात की जाती है तो वो फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में आपके होगा, ठीक है। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग, यानी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ठीक है, और इको से रिलेटेड मुद्दे और सोशल जस्टिस एंड सोशल से रिलेटेड मुद्दे ये पेपर 5 में है, उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, जो हमारा पंचायती सिस्टम है, शहरी एवं पंचायती राज, यानी नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, और नगर पंचायत से रिलेटेड मुद्दे, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सुशासन, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए क्या कदम उठाया गया, कहाँ पर किसको नियुक्त किया गया, कैसे रोका जाता है, क्योंकि बड़ा राज्य है, ठीक है, जनसंख्या भी ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो या अन्य किसी स्तर पर, ठीक है, तो उनका निवारण कैसे होगा, क्या कैसे कैसे नियम कानून बनाए जा सकते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे हुई, लोकानियुक्त के इतिहास के बारे में, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में एक्ट बन के आया है ना, आर्टिकल 19(1) के तहत आता है, समाधान योजना क्या है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स कब हुए, किसके अधिकार क्षेत्र में हुए, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा, जो लैंड रिफॉर्म का उद्देश्य था क्या वो पूरा हुआ, इत्यादि संबंधित मुद्दे आएंगे। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जैसे सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में दो मुद्दे मुख्य रूप से दिए गए हैं, उग्रवाद के प्रसार विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य अंतरराज्यीय सक्रियों के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने वाले संचार माध्यम। देखो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात, स्टेट इंटरनल सिक्योरिटी की बात, अंतरराज्यीय संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी के फेज में कैसे काम करते हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अगर पिछले कुछ टाइम को छोड़ दे तो उसके पहले आए दिन कहीं ना कहीं जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, इस तरह के दंगे होते रहते थे, तो उसमें अन्य राज्यों की क्या भूमिका है, जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो क्या परिस्थितियां बनाता है, बिगाड़ता है, तो वो सारे मुद्दे इसके तहत आ जाएंगे। ओके, तो वेट एक सेकेंड। उसके बाद अगला है, अब देखो 5वें पेपर में नेटवर्किंग मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, यानी कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्या रोल अदा करती है किसी मुद्दे को भड़काने में या मुद्दे को बेहतर बनाने में। जैसे अभी ज्योति मौर्य का एसडीएम का मामला ले लो, ठीक है, मामला जैसा मामला नहीं है लेकिन इतना रायता फैल गया है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ओके,
जो उनके पारिवारिक मैटर हैं उनको उनको समझने दो, जो हमारे मैटर हैं वे हमें समझने चाहिए, हमें प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए और प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है उसके बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना और इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी इत्यादि संबंधी मुद्दे, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, उनके शासनादेश और अधिकार पत्र, जैसे एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स है ना, पुलिस के अंतर्गत कई और संगठित चीजें हैं है ना, संगठित अपराध से कैसे निपटेंगे, असंगठित अपराध क्या होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां, खासकर नेपाल बॉर्डर, बिहार है ना, यहाँ पर ज्यादा तस्करी से रिलेटेड मुद्दे आएंगे, तस्करी जैसे दारू, गांजा, अफीम। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार से सुरक्षा संबंधित मुद्दे, ये सारी चीजें, यानी ये आपके टॉपिक 12 के अंतर्गत चार पांच चीजें आती हैं है ना, इन पांच को कैसे आपको टैकल करना है। तो इसके लिए देखो, उत्तर प्रदेश के लिए कई बुक आते हैं, खासकर इलाहाबाद प्रकाशन में आपको बहुत अच्छी बुक मिल जाएंगी सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसके बाद स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे, बड़ा राज्य है, स्वास्थ्य में खर्चा ज्यादा होना चाहिए, क्या भूमिका है स्वास्थ्य में, अभी हमने एनसीईआरटी डिस्कस किया था चैप्टर सेकंड को, तो चैप्टर सेकंड में आपको सरकार की क्या भूमिका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो वहां से आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली कैसी है, अभी तो नकल बहुत होती थी, अब वर्तमान में नकल प्रणाली बंद हो गई है, चाहे वो बेसिक स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, क्या क्या खामियां हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाएगी, क्या चेंज लाएगी, तो उनसे जोड़ के रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, जैसे हमारी सरकार कहती है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की अगर बनेगी तभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होगी, केंद्र की बनेगी, तो इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बड़ा राज्य है ना, तो क्या ऐसी भूमिका निभा सकता है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की। उसके बाद समसामयिक घटनाएं उत्तर प्रदेश की, जैसे ज्योति मौर्य वाला घटना घटी है तो हो सकता है पेपर में, जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाएं और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, जैसे स्वस्थ भारत मिशन है, ठीक है, उज्ज्वला योजना है, तो केंद्र की योजनाएं भारत उत्तर प्रदेश में कैसे उसका क्रियान्वयन होता है, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन मुद्दे, योगदान और उनका प्रभाव। ठीक है, जो एनजीओज हैं उनका क्या योगदान रहता है उत्तर प्रदेश के संबंध में, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट है, पर्यटन संबंधी मुद्दे, अगेन टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म से इकोनॉमी बहुत ग्रोथ ज्यादा होती है, तो क्या मुद्दे हैं, जैसे रामायण सर्किट का बन रहा है, अन्य मुद्दे बन रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे, इसका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि चीजें। तो ये 21 टॉपिक है आपके, और इसके प्रयाग पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश रिलेटेड बुक आपको लेनी पड़ेगी, और सोर्स 1-2 होंगे तो बेहतर है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, इन मुद्दों पे समझना है, जो आपका करंट अफेयर्स है उसको बहुत तरीके अच्छे तरीके से देखना है, इत्यादि चीजें आप देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और जो भी आपकी डिमांड है वो कर सकते हैं और हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो भी आपका टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो बताएं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।